हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी ये वीडियो एक दुल्हन की एंट्री से शुरुआत हो रही है, तो आज मैं आप लोगों को उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। जब एक लड़की शादी की रस्मों में शादी की तैयारियां करती है तो उसके मन में, उसके दिल में, दिमाग में इतने अरमान जुड़ जाते हैं कि मैं वो करूंगी, ये करूंगी, शादी के बाद मैं घूमूंगी, यहाँ घूमूंगी, वहाँ घूमूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मतलब कि लाखों अरमान जुड़ जाते हैं। शादी कहने को तो शादी है, लेकिन दो परिवारों का, रीति रिवाज का, होने का, सबका मिलने मिलाने का और रीति रिवाज को निभाने का, जैसे कपड़ों का, पैसों का लेन देन, जो एक मान सम्मान निभाया जाता है, वो सब निभाया जाता है। लेकिन जो रिश्ता होता है वो दो परिवारों के बीच में होता है, दो माँ बापों के बीच में होता है। मेन रिश्ता होता है एक लड़का और लड़की के बीच में। लड़की उस परिवार के लिए इतनी अनजान होती है कि पहले एक लड़की जो अपना घर छोड़कर आती है, अपने बाबूल, अपना आंगन, अपना पूरा परिवार, सिर्फ दिल में प्यार लेकर कि मेरा पति, वो परिवार जिनके घर में जा रही हूँ, वो मुझे प्यार देगा। वो लड़की हंसते हंसते सब सहन करती है सिर्फ पति का प्यार पाने के लिए, लेकिन किस्मत में जो लिखा वही मिलता है। पति का प्यार भी समय समय से कम हो जाता है और परिवार का भी। वो लड़की जो इतने अरमान लेकर आई थी, वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाती है और पूरे परिवार की, मेहमानों की देखभाल व सेवा में लग जाती है, कहीं खो सी जाती है। वो लड़की जो खुश होने वाली, चहकने वाली, लेकिन मैं कहती हूँ ससुराल वालों को, उस लड़की यानी अपनी बहू को खुश रखना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। जब लड़के की शादी होती है तो वो घर की लक्ष्मी बनकर जाती है, परिवार की, मेहमानों की देखभाल व सेवा में लग जाती है, कहीं खो सी जाती है वो लड़की जो खुश होने वाली, चहकने वाली। कि मैं कहती हूँ ससुराल वालों को कि ससुराल वालों को अपनी लड़की यानी अपनी बहू को खुश रखना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। जब लड़के की शादी होती है तो वो लड़की लक्ष्मी बन जाती है, वो भी इंसान, उस इंसान को भी सम्मान का हक मिलना चाहिए। उस लड़की जिम्मेदारियों में फंसा दिया जाता है, अरे वो सिर्फ खुशी के कुछ पल चाहती है और कुछ नहीं। मैं उन लड़कियों को, औरतों को दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ जो पूरे काम करती हैं, लेकिन उन्हें कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम भी आराम कर लो। आदमी चार काम करके घर जब आ जाता है तो उसे तुरंत कह दिया जाता है, अरे ज़रा आराम कर लो। औरत को कभी नहीं कहा जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि वो आपके घर की लक्ष्मी है, उसका दिल से सम्मान करें। एक लड़की जब रीति रिवाज से घिरती है तो उसको हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है और मन ही मन वो बहुत खुश होती है, उसके चेहरे में वो खुशी उभर कर आती है, जिसमें कि उसके परिवार वालों, जिसमें कि उसके परिवार वाले परेशान होते हैं, इसलिए परेशान होते हैं कि हमारी लड़की हमें छोड़कर जा रही है एक नए परिवार में, एक परदेश में जा रही है और एक नए परिवार में जा रही, अनजान जगह जा रही है, अनजान घर में जा रही है। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। अब मैं आप लोगों से मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ। यहां पर दुल्हन की एंट्री घर पर हो चुकी है, दुल्हन घर पर आ चुकी है, आप लोग देख लीजिए गाइस। और यहां पर हल्दी का पानी रखा हुआ है, इस हल्दी के पानी में थोड़ा सा दूध और फूल भी डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर गोबर की पूजा शुरू हो गई, इसमें सोने की अंगूठी या जंजीर डाल दिया जाएगा। इसमें एक खेल की रस्म होती है, कई सबके तरफ शायद होती होगी, हम लोगों की साइड नीचे नहीं देखता। लेकिन कहाँ गिरी वो तो पता चल जाता है। हाँ ऐसे नहीं पता चलेगा। ये वो दीदी है। वहाँ भी पहली बार आया।
मोनिका इधर पांचों के पांच सात बार है। सात बोलो चाहे पांच बोलो चाहे चलता बोलो जीतेगी भाई। मन्नू इधर हूँ मैं इधर हूँ। आना मन्नू छोड़ दे ये कौन 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 यस। अरे 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 कहाँ डाला आपने आज पहले से हाथ डाले भाई आप उसकी तरफ फोन करता हो थोड़ा बुढ़िया हाँ चलो अरे ऐसे कौन बना लिया देखो बोली कुछ कितने बार जीत गया मैं अब आप ये हाथ बंद करके आ रहे हैं इसको लिया हाँ अयो नहीं भाभी का है भाभी का है चलो हो गया पांच बार घर कोई बात नहीं कौन जीता अभी क्या करना है कोई जीते सास के छुए।